बिलावल मुझे पसंद है, रीम शाह ने शादी के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में टिकटॉक गर्ल के नाम से मशहूर होने वाली रीम शाह का खबर रसां अदारे के साथ खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हामी ज़रूर हूँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। रीम शाह का एक सवाल का जवाब देते हुए कहना था कि मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत पसंद है, लेकिन मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। बिलावल के अलावा मुझे इनकी पार्टी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लिहाजा रीम शाह ने बिलावल से शादी करने की कोई वजह नहीं बताई। टिकटॉक गर्ल रीम शाह ने शेख रशीद के साथ शादी ना करने की वजह बताते हुए कहा कि शेख रशीद साहब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मैं इतने बड़े इन शख्स के साथ शादी क्यों करूँ। इनकी उम्र 7 बरस के करीब है और ये उम्र की आखिरी हद होती है, इससे ऊपर तो खुश नसीब ही जाते हैं। अगर मैं इनसे शादी कर लूँगी तो अपनी बाकी की ज़िंदगी बेवा की तरह गुजारनी पड़ेगी। खबरसा अदारे के नुमाइंदे से खसूसी गुफ्तगू करते हुए रीम शाह ने कराची में फरूक सत्तार के साथ हुई आखिरी मुलाकात का हवाला बयान करते हुए कहा कि फरूक सितार ने मेरा नंबर अपने मोबाइल में नॉटी गर्ल के नाम से सेव कर रखा है, जो तकरीबन पिछले जैसे 7 माह से मेरे साथ रबते में है। रीम शाह ने बताया कि फरूक सितार स्पेशल इनसे मिलने पीसी होटल में आए थे, जहां वो अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ मौजूद थी। हमने फरूक सितार के साथ मिलकर आम और दीगर पर खाए और 1.5 घंटे से ज़्यादा गपशप भी लगाई। गपशप के दौरान ही फरूक सितार ने कहा कि हमारी पार्टी के हालात ठीक नहीं हैं, कोई मशवरा दें जिससे मैं अपनी पार्टी को ऊपर ले जा सकूं। जिस पर मैंने इनसे कहा कि मैं टिकटॉक के हवाले से मशवरे दे सकती हूं, किसी सियासी जमात के हवाले से नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एफ़ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल का एक आइकॉन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल में जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच सके और आप बार वक्त हमारी वीडियो देख सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।